नमस्कार दोस्तों, ESIC यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बोर्ड की तरफ से जो पोस्ट निकला था नर्सिंग और साथों साथ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी इस रिक्रूटमेंट में पोस्ट निकला था, जिसका वैकेंसी बहुत सारे कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि एक ऑल इंडिया एप्लीकेबल जॉब था, जो कि इंडिया की कहीं से भी इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते थे, जिसमें वैकेंसीज था 2255 वैकेंसीज के लिए इस रिक्रूटमेंट को छोड़ा गया था, जिसका रिक्रूटमेंट की कार्यवाही ऑलरेडी ख़त्म हो गया है। साथों साथ रिटर्न एग्ज़ाम भी आप दे दिया है। 2019 फरवरी 26-27 तारीख में इसका दोनों ही दिन एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था। तो खास करके अब समय आ गया है इस पोस्ट का, इस बार रिजल्ट कब बाहर निकलने वाला है, साथों साथ कट ऑफ इस बार कितना जा सकता है। दोस्तों ये आपको बता दिया जाए, अभी तक ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, जिसलिए आपको इस वीडियो में एक्सपेक्टेड में बताया जाएगा कि इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है, साथों साथ इस पोस्ट का रिजल्ट कब दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट जो मैं कहना चाहूँगा उन सभी दोस्तों के लिए, मेरे जो दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को दबाना मत भूले। और मेरे जो दोस्तों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, उन सभी दोस्तों के लिए और एक बार मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। दोस्तों इस समय आप देख रहे हैं ऑफिशियल साइट का लिंक, मैं ओपन करके सारी डिटेल्स आज आपको मैं बताऊँगा। खैर इसके बाद और एक मैं पेज में जाने वाला हूँ, जिसमें जाके आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। आप अगर ऑफिशियल साइट में आना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर भी इस पोस्ट पर यानी कि साइट पर वेबसाइट पर आ सकते हैं। टाइम बचाने के लिए मैं इस पेज को खोलकर ही रखा हुआ है, आप अगर इस पेज पर जाना चाहते हैं जो इसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। तो इससे यहाँ पर हेडलाइंस में आप देख सकते हैं ESIC स्टाफ नर्सिंग नर्स रिजल्ट कब दिया जाएगा, साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ कट ऑफ इस बार कितना जा सकता है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी मिलने वाला है आपको। आपको अगर सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए वीडियो को फुल्ली देख लेना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जिसलिए मैं पेज को स्क्रॉल करने वाला हूँ, तो स्क्रॉल करने से आपको सबसे पहले एक बॉक्स मिल जाएगा जहाँ पर रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड की ESIC, जो कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा था शॉर्ट फॉर्म बोर्ड की, जो कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बोर्ड की तरफ से नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ पोस्ट के लिए इस रिक्रूटमेंट को छोड़ा गया था। 2255 वैकेंसीज था, जो कि ऑल इंडिया एप्लीकेबल पोस्ट के लिए बहुत ही बड़ा वैकेंसीज है। इंडिया की कहीं से भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाए थे। रिटर्न एग्जाम भी ऑलरेडी हो गया है, जो कि 26-27 तारीख में इसका रिटर्न एग्ज़ाम ऑफिशियली लिया गया था, रिजल्ट डिक्लेरेशन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियली अभी तक कोई भी घोषणा नहीं किया गया है कि इस पोस्ट का रिजल्ट कब दिया जाएगा, जिसलिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड में इस पेज में दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपेक्टेड इन जून, यानी कि आज का डेट अगर देखा जाए तो इस मंथ का लास्ट डेट है, इसके बाद ही जून मंथ पड़ने वाला है, क्योंकि मई 31 तारीख है आज का डेट अगर देखा जाए तो, इसके बाद जून मंथ आने वाला है। कल से ही जून 1 तारीख है, जो जून की लास्ट की डेट में यानी कि 25-30 तारीख के अंदर इस पोस्ट का रिजल्ट देने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो अभी तक मैं पर्टिकुलर नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ऑफिशियली कोई भी घोषणा अभी तक नहीं किया गया है। तो ऑफिशियली कोई भी घोषणा करते ही आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से खबर दे दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं ऑफिशियल लिंक। फिर भी आपको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा इस लिंक को। तो दोस्तों आज का स्पेशल विषय है इस पोस्ट का, इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है, इस बार यहाँ पर आप एक्सपेक्टेड में देख सकते हैं आउट ऑफ 125 यानी कि 125 में आपका इस बार कट ऑफ इस पोस्ट के लिए कितना जा सकता है एक्सपेक्टेड में आपको यहाँ पर देखने में मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं UR यानी कि जनरल की तरफ से 75-80 तक इस बार कट ऑफ जा सकता है। OBC के लिए दिया गया है जो कि 70-80 तक, SC यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए 60-65 मार्क्स तक इस बार कट ऑफ जा सकता है इस पोस्ट के लिए, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए 50-55 तक, साथों साथ PWD कैंडिडेट्स के लिए है जो कि 40-45 तक इस बार कट ऑफ यहाँ पर दिया गया है।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको अभी तक तो रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया है ऑफिशियली, पब्लिश करते ही आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से खबर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों रिजल्ट अपना ही अपना आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं इसका डिटेल्स यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपना ही रिजल्ट आप देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेबसाइट में जाने की जरूरत होगा आपको, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक होगा, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। यानी कि इस पोस्ट का जो भी जरूरी कुछ लिंक होगा आपको कहीं पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद क्या क्या करना पड़ेगा, बहुत इजीली स्टेप होगा, ठीक है, तो आपको कोई तकलीफ ना हो इसमें स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करके देख सकते हैं। और रिजल्ट आप कैसे देख सकते हैं, उसका लिंक यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिटेन एग्जाम रिजल्ट, जो कि इस पेज में जाने के बाद भी आप अपडेटेशन पर क्लिक करते ही आपको रिजल्ट के लिंक पर जाने चला जाएंगे इजीली, ठीक है। तो दोस्तों इस विषय में और भी कुछ जानकारी प्राप्त होती है आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से खबर दे दिया जाएगा। अभी के लिए तो यही तक, और आपको अगर सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और बेल को दबाना मत भूलें, ताकि वीडियो की अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मेरे जो दोस्तों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, वीडियो ख़त्म करने से पहले उन सभी दोस्तों के लिए और एक बार मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा।